नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रिक्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। एक करोड़ रुपए से सवारा जाएगा सीपत का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कलेक्टर ने सुविधाओं का लिया जायजा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से बिलासपुर में रहने वाले परिजन सहमे, सरकार से सुरक्षा की लगाई गुहार। अनसुलझे मामलों की तैयार की जा रही लिस्ट, साल बीतने पर पुलिस को आई याद। और यूनियन चुनाव को लेकर रेलवे क्षेत्र में बड़ी सरगर्मी, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग। सीपत का प्राइमरी हेल्थ सेंटर का 1 करोड़ रुपए की लागत से रेनोवेशन किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न योजनाओं से राशि जुटाई जाएगी। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने इस सिलसिले में शनिवार को अस्पताल भवन और परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टरों और इंजीनियरों के साथ बैठकर इसकी कार्य योजना बनाई। उन्होंने अगले 3 महीने में यह काम पूरा करने की जिम्मेदारी कार्य एजेंसियों को दी। दौरे में कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में बने शासकीय आवास गृहों में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याएं भी सुनी और रेनोवेशन की कार्य योजना में इसे शामिल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इलाज कराने आए मरीजों से मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। वे महिला वार्ड भी गए, उनसे चर्चा कर प्रसव सुविधा के बारे में पूछताछ की। बताया गया कि यहां महीने भर में औसतन 90 प्रसव दर्ज होते हैं। कलेक्टर ने कहा, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को कंबल वितरित किए जाए। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, PHC प्रभारी डॉक्टर आकांक्षा दुबे, DPM पियूली मजुमदार, जनपद पंचायत CEO JR भगत, RES के कार्यपालन अभियंता और CGMSC के अधिकारी भी उपस्थित थे। शहर से लगे पौंसरा गांव में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन का भव्य कलश शोभा यात्रा निकालकर शुभारंभ किया। वैदिक अनुष्ठान और सर्व कल्याण के इस धार्मिक आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। ग्राम पौंसरा में 4 दिवसीय 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। इस पवित्र आयोजन की शुरुआत भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुई। गाँव की मातृ शक्ति ने पिताम्बर वस्त्र धारण कर सिर पर पवित्र जल से भरे कलश रख कर शोभा यात्रा में भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पवित्र जल कलशों में भरा गया। कलश यात्रा पूरे कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर निकली, जिससे भक्तिपूर्ण वातावरण बना रहा। गायत्री माता के जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा कस्बा गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा के दौरान यज्ञ स्थल पहुँचने के बाद 500 कलशों की स्थापना की गयी। इस महायज्ञ में ग्रामवासियों के साथ साथ श्रद्धालुओं का अपार उत्साह देखा गया। आयोजकों ने बताया कि महायज्ञ के दौरान वैदिक अनुष्ठान, प्रवचन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्राम पौंसरा में यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा है, बल्कि ग्रामवासियों के बीच समर्पण और एकता का संदेश भी दे रहा है। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शुभारम्भ होने जा रहा है। ऐसे समय में हमारा सौभाग्य हुआ है कि हमें इस गांव के ग्रामवासियों का, देवतुल्य आत्माओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये कार्यक्रम हमारे सारे देश भर में 24 कुंडी, 51 कुंडी, 108 कुंडी यज्ञ, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि इस भारत भूमि को यज्ञ भूमि बनाना है, और यज्ञ का अर्थ ही है सत्कर्म। और विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती में स्वर्ग के अवतरण की व्यवस्था के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो संकल्प लिया था, उसके लिए यज्ञ हमारा महत्वपूर्ण अनुसंधान है। यज्ञ एक महत्वपूर्ण कार्य है। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हो रहा है और अभी कलश यात्रा के माध्यम से गांव का भ्रमण करेंगे और देव स्थान से जल भर के यहां पे लाएंगे। और निश्चित रूप से ये यज्ञ के माध्यम से शांति स्थापना, भाईचारा की व्यवस्था, जो ऋषि मुनियों की परंपरा थी, उसको पुनः कायम करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य जी ने यह श्रृंखला बनाई है, उसी के क्रम में यहाँ पे यज्ञ होगा। इससे नशा मुक्ति आंदोलन, सप्तसूत्री आंदोलन जो गायत्री परिवार का है, उसका भी हम लोग समय समय पे कार्यक्रम कराते रहते हैं। गायत्री साधक और परिवार से जुड़े लोगों में आयोजन को लेकर भारी आनंद है। सभी लोग सेवा कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। 500 कलश की व्यवस्था की गई है। विगत 3 महीना से 24 कुंडी यज्ञ की सफलता के लिए 51 गांव में हम भ्रमण कर चुके हैं। आसपास के गांव वाले सब आएंगे। 3 दिन तक यज्ञ चलेगा। सभी यज्ञ
में सम्मिलित होंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इसके लिए बहुत से हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित होंगे और वो लोग भी लाभान्वित होंगे। भक्ति और उत्साह के बीच 4 दिवसीय 24 कुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ किया, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी की रिपोर्ट। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने शहर के तारबहार और लिंगियाडी में 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टरी का रोल निभा रहे बच्चों से अपना जांच कराया। केंद्र में परोसे जा रहे भोजन, पढ़ाई, उपलब्ध मनोरंजन के साधनों का जायजा लिया। बच्चों से बातचीत कर केंद्र में संचालित गतिविधियों के बारे में पूछा। कलेक्टर ने यहाँ आयुष्मान कार्ड बनवाकर हितग्राही को वितरित किया। कलेक्टर ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और बच्चों के अभिभावकों से कहा, आंगनबाड़ी के सभी बच्चों का सिकल सेल जांच कराया जाएगा। इसके अलावा केंद्र पर ही बच्चों के जाति, आय, निवास और जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दिए जाएंगे। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना जिला प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही है। कलेक्टर ने खुशी जाहिर करते हुए अच्छे कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में सम्मानित किए जाने की घोषणा की। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बांग्लादेश के एक वर्ग विशेष द्वारा उन्मान फैलाने और हिंदू अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे हमलों से छत्तीसगढ़ में रहने वाले उनके परिजन सहमे हुए हैं। प्रेस क्लब पहुंचकर सर्वोबंगो समाज के सदस्यों ने शासन स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है, बांग्लादेश में मौजूदा सरकार पर हिंसा रोकने दबाव बनाने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार अत्याचार और हिंसा को लेकर बिलासपुर के सर्वोबंगो समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ सरकार से पहल करने का अनुरोध किया है। अमानवीय घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए बिलासपुर के सभी बंगाली संगठन एकजुट होकर इस पर रोक लगाने और वहां रहने वाले अपने परिजन और रिश्तेदारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सर्वोबंगो समाज के एसके मित्रा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ उन्मादी हिंसा, आगजनी, लूटपाट और धार्मिक स्थलों पर हमले की घटनाएं बढ़ रही है। स्वामी चिन्मयानंद दास को देशद्रोह के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया जाना और उन्हें जमानत न मिलना इस बात का उदाहरण है कि वहां अल्पसंख्यकों को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। संपर्क वाले परिजनों और संचार माध्यमों से उन्हें हिंसक घटनाओं और अराजकता की खबरें मिल रही है। सदस्यों ने इसे मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताया है। आम जनता वहाँ का जो माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ जो हो रहा है, ना वो मंदिर जा सकते हैं, ना कोई रैली कर सकते हैं। बच्चे, लेडीज घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सब लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते हैं। जो माइनॉरिटीज हैं वहाँ इतना भय का वातावरण है। छत्तीसगढ़ शासन से इतना ही हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी प्लीज़ यहाँ से एक ये पास कीजिए, रेजुलेशन पास कीजिए और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भेजिए कि हम लोग भी बांग्लादेश के सभी माइनॉरिटीज के साथ हैं और इसको जल्द से जल्द सोल्यूशन बनाए। सदस्यों ने कहा, बीते 22 अगस्त को समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक विशाल आंदोलन और सभा का आयोजन बिलासपुर में किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें भारत सरकार से बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज करने की मांग की गई थी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों के सामने आने वाली चुनौतियां राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। राज्य की भाजपा सरकार पर कांग्रेस द्वारा धान खरीदी में विफलताओं और किसानों के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर इन मुद्दों को विस्तार से रखते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा, शायद सरकार किसानों से धान खरीदी के प्रति उदासीन है और इसे लेकर साजिश कर रही है। बढ़ाया गया समर्थन मूल्य नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने खरीदी में देरी और धीमे गति से किसानों को होने वाले नुकसान की आशंका जताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहां मौजूदा कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, महापौर रामचरण यादव, पूर्व विधायक रश्मि सिंह और प्रमोद नायक ने भी संबोधित किया। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 2500 रुपए क्विंटल की हम लोगों ने, हमारे सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में घोषणा की थी। जब समर्थन मूल्य केंद्र से सरकार ने बढ़ाया तो 2640 रुपए में हम लोगों ने धान खरीदा सरकार ने। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और पूरे छत्तीसगढ़ के किसान इसको और जनता जानती है।
आज 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन 2300 रुपए का ही भुगतान हो रहा है। जिला पंचायत के नए सीईओ संदीप अग्रवाल ने शनिवार को जिला पंचायत सभागार में पत्रकारों से परिचय प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में बिलासपुर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने भाग लिया। पिछले दिनों सामान्य सभा की बैठक में मीडिया से दूरी बनाने को लेकर सीईओ संदीप अग्रवाल ने कहा, कोशिश होगी कि मीडिया कर्मियों को सभी गतिविधियों का कवरेज करने का अवसर दिया जाए। सीईओ ने मीडिया से संवाद स्थापित करने के लिए पत्रकार परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आगामी बैठकों में मीडिया को प्रमुखता से शामिल करने का आश्वासन भी दिया। सीईओ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, लेकिन इसे जनता तक पहुंचाने में मीडिया का अहम योगदान रहता है। उन्होंने सामंजस्य स्थापित कर कार्य करने का भरोसा दिलाया। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन और जिला राइस मिल एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक बिलासपुर में हुई। बैठक में कस्टम मिलिंग का बकाया भुगतान और 2024-25 के कस्टम मिलिंग नीति में बदलाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के हर जिले से राइस मिलर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बैठक के दौरान बताया कि कस्टम मिलिंग के पिछले कई वर्षों से मार्कफेड पर करोड़ों रुपए बकाया है। इस बकाया ने मिलर्स की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है। अध्यक्ष ने कहा कि मार्कफेड ने कई मामलों में बिल की गणना गलत की है, जिससे मिलर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों से हुई बैठक में सरकार ने मांगे पूरा करने का भरोसा दिया है। आगामी दिनों में होने वाली कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगों पर फैसला लेने का आश्वासन भी दिया है। हमारे राइस मिलर के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, इसको लेकर के राइस मिलर अभी असहयोग आंदोलन में लगे हुए थे और पूरे 33 जिलों के, जो छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के राइस मिलर ने तय किया था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम शासन को सहयोग नहीं कर पाएंगे, मिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। बैंक गारंटी बनाने के लिए पैसा नहीं है, बिजली बिल जमा करने के लिए पैसा नहीं है, नया काम शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं है, चावल जमा करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे आज 80% छोटे राइस मिलर हैं, तो उनको जब तक भुगतान नहीं मिलेगा तो काम शुरू नहीं कर सकते। तो इसको लेकर के अभी पूरे प्रदेश में आंदोलन रहा। कोषाध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने बताया कि प्रमुख रूप से उनकी मांग चावल जमा करने, विंग्स ऐप में आवेदन प्रक्रिया को सरल करना, निर्धारित अवधि के बाद ही पेनाल्टी लगाना, बारदाना वापसी के लिए उपयोगिता शुल्क देकर बारदाना लौटाया जाए या उसकी कीमत दी जाए, मिलर्स ने धान चावल परिवहन FRK के भुगतान में सुधार की मांग भी की है और प्रोत्साहन राशि 120 रुपए प्रति क्विंटल बरकरार रखे जाने की बात कही। कल की घटना जो है, अभी तक हमारे विरोध होने के बाद कुछ सरकार ने हमारी बात सुनी समझी है, कुछ हद तक कुछ मुद्दों पर CM साहब के साथ अन्य मंत्रियों के साथ चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप धान खरीदी प्रवाहित मत कराइए अपना काम। हम भी नहीं चाहते किसानों का धान, क्योंकि किसान और व्यापारी दोनों एक पहलू हैं, उनके बिना हम नहीं है, हमारे बिना वो नहीं है, तभी धान खरीदी। छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है, तो इसलिए हम भी नहीं चाहते थे, तो सरकार का आश्वासन मिला, लेकिन हमने लिखित में मांगा है। आगे हफ्तों में कमेटी का, कैबिनेट का बैठक होनी है, उसमें हम इंतजार कर रहे हैं, जब तक हम बारदाना जमा करने की सहमति बनाए हैं। मांग तो जो थी हम लोगों की शासन से, लगातार हम लोग मांग कर रहे थे पिछले एक महीने से, लगभग हम अपनी राइस मिलर एसोसिएशन अपने बात को शासन तक पहुंचा रहा था, जिसमें मिलिंग चार्जेस जो पिछले वर्ष 120 रुपये था उसको 60 रुपये कर दिया गया था और मिल कैंपस में कैमरे लगाने की बात हुई थी और विभिन्न प्रकार की पेनाल्टियों की बात हुई थी। तो अभी शासन से यह सहमति बनी है कि 60 रुपये को बढ़ा करके मिलिंग चार्जेस 80 रुपये किया जा रहा है और धान पे जो विभिन्न प्रकार की पेनाल्टियाँ लगी थी उसको निरस्त किया जा रहा है। मिलर्स की नाराजगी से इन दिनों कस्टम मिलिंग प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार के साथ बातचीत के बाद अब वो अपना आंदोलन वापस लेने कह रहे हैं। वहीं उनकी मांग पूरा करने के लिए उन्होंने शासन के मंत्री मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों का धन्यवाद भी किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। साल पूरा हो रहा है, इसे देखते हुए पुलिस की जांच और तेज हो गई है। काफी समय से लंबित मामलों की लिस्टिंग कर CSP लेवल के अधिकारियों से इसका अवलोकन करवाया जा रहा है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड के कई मामले लंबित हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों ने पुलिस को उलझा दिया है।
इन मामलों के आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। जिले के सिविल लाइन सरकंडा तारबहार सिरगिट्टी चकरभाटा सहित कई थानों में धोखाधड़ी और ऑनलाइन फ्रॉड के 2 दर्जन से अधिक मामले अनसुलझे हैं। वर्ष की समाप्ति को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने पेंडिंग प्रकरणों की लिस्टिंग करने कहा है। ऐसे प्रकरण जिसका आसानी से निराकरण हो सकता है उसको छोड़कर बाकी प्रकरण जिसमें जांच करने के साथ ही आरोपियों को पकड़ने और साक्ष्य एकत्रित करने में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हो उसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय में भेजने कहा गया है ताकि समय पर लंबित प्रकरणों का निराकरण हो सके। पुलिस के द्वारा वर्ष के अंत में ऐसे सभी मामले जो काफी समय से लंबित हैं उनका निकाल करने का विशेष प्रयास किया जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर सभी राजपत्रित अधिकारी तथा समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि मामलों को अधिक से अधिक निकाल करें तथा जो मामले काफ़ी समय से लंबित हैं उसमें राजपत्रित अधिकारी के द्वारा विशेष रूप से मीटिंग लेकर विवेचकों को निर्देश दिया जा रहा है ताकि मामले का निकाल किया जा सके। दिसंबर माह की शुरुआत हो चुकी है। आगामी पंचायत और नगरी निकाय को देखते हुए पुलिस के लिए प्रकरणों का अच्छे से जांच कर निराकरण करना बड़ी चुनौती है। बहरहाल सभी जांच अधिकारी युद्ध स्तर पर प्रकरणों के निराकरण में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि इस वर्ष कितने मामले सुलझते हैं और कितने मामले अनसुलझे रह जाते हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी बिलासपुर। चाकू लेकर लोगों को डराने धमकाने वाले युवक के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने कार्रवाई की है। चाटीडी लक्ष्मी चौक के पास युवक धारदार चाकू लेकर आने जाने वालों को धमका रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक मुकेश देवांगन को चाकू समेत धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विजिबल पुलिसिंग की कार्रवाई लगातार चौक चौराहों में पेट्रोलिंग करके संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करके जो की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल चिंगराजपारा के लक्ष्मी चौक में मुकेश देवांगन नाम के लड़के को चाकू रखे हुए हालत में पकड़ा गया है, जिसके द्वारा लोगों को डराने धमकाने का काम किया जाता था, जिसे पकड़कर जो है आर्म्स एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की गई है और वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। नगर निगम के सभी तरह के टैक्स शहर के नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने शहरवासियों को यह सुविधा प्रदान करने ऑनलाइन सर्विस की शुरुआत की है। इससे नागरिक अब किसी भी स्थान से निकाय के अपने सभी प्रकार के टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, जिसमें प्रॉपर्टी पानी कमर्शियल टैक्स शामिल है। इससे पहले निगम ने करदाताओं की वास्तविक संख्या और अन्य जानकारी के लिए सत्यापन का कार्य किया है। निगम ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद से खुद का टैक्स पेमेंट पोर्टल तैयार किया है, जिसके जरिए अब करदाता टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। नगर निगम में जितने भी आईडी जनरेट हैं, वो आईडी और अपना नाम डाल के ना लोग पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जो बिलासपुर कॉर्पोरेशन पीडीएस करके सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट में जाएंगे और उसके बाद फिर ना उसमें अपना वार्ड सर्च करेंगे। वार्ड सर्च करने के बाद नाम अपना डालेंगे या प्रॉपर्टी आईडी डालेंगे, तो प्रॉपर्टी आईडी में उनका डिटेल आ जाएगा कि आपका टैक्स कितना है और उस हिसाब से फिर गूगल जो भी है माध्यम यूपीआई के माध्यम से हो चाहे ऑनलाइन पेमेंट नेट बैंकिंग के माध्यम से हो पेमेंट कर सकता है और ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाली अभियान एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बिलासपुर का दौरा किया। उनके नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया, वहीं आम सभा भी रखी गई जिसमें हजारों कर्मचारी शामिल हुए। शनिवार सुबह 11 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन के संयुक्त क्रू लॉबी से अखंड रेलवे कर्मचारी संघ के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई। रैली तितली चौक से जगमल चौक होते हुए तोरवा थाना के पास रामलीला मैदान पहुंचकर सभा में तब्दील हुई। ओपीएस आंदोलन के जनक और पेंशन पुरुष के नाम से विख्यात विजय कुमार बंधु ने इस सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में विजय कुमार बंधु ने एनपीएस और यूपीएस से पीड़ित केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए इस आंदोलन को निर्णायक बताया। एचएस भदौरिया संयोजक अखंड रेलवे कर्मचारी संघ ने बताया कि आगामी रेलवे यूनियन चुनाव में यूनियन मजदूरों को कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की उनकी प्रमुख मांग रही है। उनका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है और इसमें सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारा रेल कर्मचारी पूरा जागरूक है। 11 साल बाद ये चुनाव हो रहा है और ये SECR कम से कम और भारतीय IREF से संबद्ध AR केस है,
जो 13 जोनों में खड़ा है, ये फेडरेशन की भी मान्यता प्राप्त करेगा। और जो मजदूरों के साथ अभी यूनियन जो धोखा दिए हैं, जो टोटल भारतवर्ष के मजदूरों के साथ जो धोखा किए हैं, उनको इस यूनियन मान्यता के चुनाव के माध्यम से एक यूनियन को सबक देगा। ट्रेड यूनियन का जो मान्यता का चुनाव है 4-5-6 दिसंबर को होने जा रहा है, ये दोनों यूनियन जो आज कर्मचारी विरोधी नीतियां अपना रही हैं, जो अंग्रेजों की नीतियां थी वो लागू करके यहाँ पे कर्मचारियों पे फूट डालो और आज करो, आज तक इन्होंने कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं किया। आज सभी जो हमारे रेलवे कर्मचारी जागरूक हो गए और शिक्षित हैं, सभी जान रहे हैं कि आज ये लोग NPS में साइन करते हैं, UPS में साइन करते हैं, और अभी चुनाव जब आया तो आके ओल्ड पेंशन स्कीम हम दिला के रहेंगे ये नारा लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सब हर आदमी हमारा कर्मचारी जान रहा है कि ये लोग कर्मचारियों को बेवकूफ समझ रहे हैं कि आज ओल्ड पेंशन दिला के रहेंगे। इस रैली और आम सभा में कर्मचारियों की भारी संख्या में भागीदारी ने स्पष्ट कर दिया है कि OPS बहाली की मांग एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। अब देखना होगा कि आंदोलन भविष्य में क्या मोड़ लेता है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकसभा TV, बिलासपुर। सड़क हादसे में मौत के मुहाने पहुंच गए नौजवान चेतन को नई जिंदगी देकर यूनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपनी काबिलियत फिर साबित कर दिया। मरीज के प्रति सहानुभूति और पेशे में ईमानदारी, चिकित्सक धर्म का पालन कर यहां के डॉक्टरों ने पहले भी कई जटिल ऑपरेशन में सफलता पाई है। मस्तूरी क्षेत्र के पीपर सत्ती में रहने वाले कुर्रे परिवार को नवम्बर महीने की पहली तारीख को बेटे के दुर्घटना की मनहूस खबर मिली, जिसके बाद पूरा महीना घर के सदस्य भगवान से प्रार्थना करते रहे। युवा चेतन कुर्रे उस दिन बहन को उसके ससुराल में छोड़कर सेवार से वापस घर लौट रहा था कि अचानक मस्तूरी के पास उसके साथ हादसा हुआ। उसे बेहोशी की हालत में यूनिटी अस्पताल पहुंचाया गया था। सिर से लेकर पूरे मुंह की हड्डियां टूटने से चेतन कई दिनों तक बेहोश था। इस दौरान यूनिटी अस्पताल के डायरेक्टर और ENT सर्जन डॉक्टर अंकित ठकराल ने तत्परता दिखाते हुए डॉक्टरों की टीम बनाकर कई जटिल ऑपरेशन किए। वो आए थे तो एकदम बेहोश ही हालत में आए थे, ना वो बोल पा रहे थे, टोटल बेहोश थे, और तुरंत उनको हमने इंट्यूबेट किया और वेंटिलेटर पे डाला और CT स्कैन करके पाया कि उनके ब्रेन में चोट है। तुरंत उनका ऑपरेशन किया गया और CT स्कैन में ये भी पाया कि उनके सारी चेहरे की सारी हड्डियां टूट गई हैं, जिन्हें हमारी भाषा में मैक्सिला बोन बोलते हैं। दोनों साइड की मैक्सिला बोन टूट गई थी, आंखों के नीचे की हड्डी जिसे फ्लोरा फॉर्बिट बोलते हैं वो भी टूट गया था। फिर हमने पहले उसकी ब्रेन का ऑपरेशन किया और उसके एक हफ्ते के बाद हमने उसके चेहरे के ऑपरेशन किया, और अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है, ना उसको कोई खाना खाने में दिक्कत है, वो आज अपने संपूर्ण रूप से अपना सारा काम कर पा रहा है, खाना भी खा पा रहा है, टॉयलेट भी जा रहा है, चल भी रहा है, और मरीज अब पूरा तरीके से स्वस्थ होके आज डिस्चार्ज हो रहा है। शुरुआत में वेंटिलेटर के सपोर्ट से चेतन को सांसें दी गई, फिर ऑपरेशन के बाद वो तेजी से रिकवर होता गया। इन्फेक्शन से बचाना और मुंह का मूवमेंट पहले की तरह होने के लिए सर्जरी के दौरान कई बातों का ध्यान रखा गया। पूरे एक महीने बाद चेतन को उसकी बड़ी बहन संतोषी घर वापस लेकर गई। मोर भाई पीपर सत्ती जात रिस मोर छोड़ के, तो मस्तूरी में रेसिडेंट हो, तो मोला फोन गिस तो मैं आयो ना, तो सिम सलक खोजें तो नहीं पाए, बाद में पता चले यूनिटी में है करके, तो यूनिटी में आए तो भाई बहुत गंभीर रही से, तो देखे नहीं रहे भाई ला, तो छुट्टी मांगे तो कही तोर भाई 5 मिनट के टाइम है, और बाद यहाँ इलाज चालू हुई से, तो भाई के ना सर ऐसे ऑपरेशन हुए हैं यहाँ ले, और भाई के दोनों ये आँख के नीचे जबड़ा, हाँ भैया जबड़ा की थे जो भी की थे ये ऑपरेशन है। भाई आज 1 तारीख का यूनिटी हॉस्पिटल आए, आज भाई के रिटर्न होते तो भाई मोर अच्छा है, खड़ा हो गए धरती में और इंगत बोला थे, बात भी करा थे, बहुत बढ़िया देखभाल करी जो मोर भाई आज मोर साथ में घर जाते। सड़क हादसे में व्यक्ति को कहाँ और कैसे चोट लगेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। चेतन का केस सिर के बल होने से उसका मुंह और जबड़ा बुरी तरह से टूट गए थे। ब्रेन तक पहुंची चोट, मुंह की हड्डी और टूटे जबड़े को जोड़कर यूनिटी अस्पताल के डायरेक्टर अंकित ठकराल ने फिर से एक परिवार को उसकी खुशियां लौटाई है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा TV, बिलासपुर।
दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात फीजल का असर प्रदेश के मौसम पर साफ दिख रहा है। इसके प्रभाव से वातावरण में नमी का स्तर बढ़ गया है, जिससे प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में निम्न और मध्य स्तर के बादल छाए हुए हैं, जिससे कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि और अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। एससीआर बिलासपुर के कमाऊ जोनल स्टेशन पर शनिवार को सन्नाटा छाया रहा। लगातार ट्रेनों की लेट लतीफी और रद्द होने के कारण प्लेटफॉर्म और वेटिंग हॉल खाली दिखे। कोरोना काल के बाद से ट्रेनों की स्थिति में सुधार नहीं हो सका है। रेलवे के विभिन्न कार्यों के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बहुत से लोग सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। इसका असर स्टेशन पर होने वाले व्यवसाय पर भी पड़ा है।